हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको बॉक्स का कवर बनाना बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी को दबाना भूलें। देखिए, हमें इसे बनाने के लिए क्या करना होगा। पहले हमने आपको दिखाने के लिए बॉक्स का निशान लगा लिया है, समझाने के लिए आप लोगों को। पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको आपका जिस साइज का बॉक्स हो, संदूक, उसका ऊपर से पहले नाप ले कितना आपका आ रहा है। देखिए, हमारे बॉक्स का है चौड़ाई यहाँ से यहाँ जो होता है 29.25 इंच हमारा है। इधर का हमारा है चौड़ाई लंबाई जो होता है 58.5 इंच। आप लोग देखिए, पहले हमें इसे किस तरह से काटना है। पहले हम हमारा जो कपड़ा होगा, पहले हम इस तरह से लंबाई को नाप लेंगे 58.5 इंच। इसके बाद क्या करना है, हम चौड़ाई ले लेंगे 28.25। लेकिन ध्यान रखिए, हमारा ये नाप है, एक्स्ट्रा हम 1 इंच लेंगे सिलाई करने के लिए। उसके बाद हमको क्या करना है, ये हमारा जो पट्टी है ये हमारा 2.5 इंच का है, तो हम इसको काटेंगे 3.5 इंच का। यहाँ से 3.5 इंच का काटेंगे, 3.5 इंच का काट लेंगे। उसके बाद हमारा इधर नीचे का आता है, तो जितना ऊपर है, ऊपर जितना है उतना इसका नीचे भी है, उतना उतना कपड़ा हम ले लेंगे। 2 इंच हम लूज रखेंगे, 1 इंच सिलाई के लिए और 1 इंच लूजिंग कर लेंगे कि हमारा जो कवर होगा बॉक्स में पहनाने मतलब आसान होगा, सही तरीके से हम उसको पहना पाएंगे। देखिए, हमारे बॉक्स का ये जो यहाँ से यहाँ लंबाई है, ये हमारा 30 इंच है। अगर आपका जितना हो आप उतना ले सकते हैं। पहले हम ऊपर का ढककर कपड़ा निकालेंगे, उसके बाद ये नीचे का, यहाँ से हम इसके लेंगे 28.25 इंच। आप जितना ऊपर का रहेगा उतना नीचे रहेगा, सिर्फ हमको 1 इंच लूज ही रखना है। देखिए, हम सिलाई में यहाँ से हम चुन्नट लगाएंगे इस तरह से यहाँ तक पूरा। ये हमारा जो ऊपर का ढक्कन होगा इसको हम अलग सिलेंगे और नीचे वाला अलग सिलेंगे। हम सिलाई करके दिखाएंगे आपको किस तरह से हम सिलेंगे, आप लोग देखिए। पीछे के कपड़े को हम आपस में जोड़ देंगे, सिल के हम आपको समझाएंगे। आप देखिएगा कि हम किस तरह से बना रहे हैं, कुछ करना नहीं है। हमारा यहाँ पे जो यहाँ हैंडल का निशान है, यहाँ कुंडी हमारी जो होती है, यहाँ हम कुंडी लगाने के लिए भी जगह बनाएंगे। ये हमारा हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या समझाएं आप लोग को किस तरह से बनाना है। हम कटिंग आपको समझा दे रहे हैं, सिलाई आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको अब सिलना बताएंगे। हमारे ऊपर का पल्ला है, जैसे हमने कहा था जो ऊपर का ढक्कन है बनाएंगे, काट लिया था हमने, उसमें पट्टी लगाएंगे 3 इंच का। देखिए, हमने एक तरफ से 3 तरफ हमने लगा लिया पट्टी, इधर भी हमने लगा लिया। हाँ, इस तरफ से आपको लगा के दिखाएंगे। देखिए हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए थोड़ा आधा इंच छोड़ देंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। कपड़ा हम लेंगे, इसके ऊपर रख लेंगे, उसके बाद
थोड़े दूर से आधा इंच छोड़ के हम सिलाई लगाएंगे। लॉक कर देंगे इसके बाद पूरा सिल लेंगे। देखिए हमारा सिलाई हो गया है, इधर भी आधा इंच छोड़ देंगे। देखिए ये हमारा पट्टी बड़ा है, इसमें काट लेंगे। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, जो इधर वाला पट्टी है, इधर वाला पट्टी और इधर वाला पट्टी जो है इसको हम आपस में जोड़ लेंगे। देखिए इसी तरह से चारों पट्टी को इधर से चार कोने से जो होता है पट्टी छोड़ा है हमने, तो चारों पट्टी को जोड़ लेंगे। चारों कोना हो गया है इस तरह से, जैसे कि हमने बताया था जो ऊपर का पल्ला है ढक्कन का पट्टी हम लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे वाला हमारा हो गया है। तो हमको इसे क्या करना है, देखिए हमारी लंबाई है, इसको हम क्या करेंगे इस तरह से थोड़ा अंदर से थोड़ा निशान लगा लेंगे पीछे का है। क्या करेंगे यहाँ से हम हमारा झालर कपड़ा है, झालर इसको हम इसमें सिल लेंगे, झाल बना लेंगे। पूरे कपड़े में पट्टी है हमारे चारों तरफ से और झालर को लगा दें। देखिए दोस्तों हमारा हो गया है झाला, आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए ये झालर हमने तो दिखा दे रहे हैं, देखिए पीछे की साइड में हमने थोड़ा लगाया है, देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा लगाया है, क्योंकि ये पीछे का जो होता है हमारा दिखता नहीं है इसलिए हमने थोड़ा लगाया झाला। और जो ये आगे का हिस्सा है देखिए इधर इधर इस साइड में हमने पूरा झालर लगा लिया है, झालर देखिए। आप चाहें किसी और कलर का भी झालर लगा सकते हैं, हमने इधर से इधर से इधर साइड में लगा लिया झालर, पीछे थोड़ा थोड़ा लगाया हमने।
अब आपको ये वाला हिस्सा नीचे का कपड़ा होता है हम लगाना आपको बताएंगे। तो हमको क्या करना है, देखिए जो हमारा पीछे का है, जो हमारा पीछे का है, देखिए पीछे का है, यहाँ से यहाँ जो जॉइंट वाला है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे पीछे का। देखिए यहाँ से देखिए जो ये कपड़ा है नीचे का उसको लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा कपड़ा हमारा है नीचे का, ये ऊपर का है ढक्का कपड़ा। यहाँ यहाँ ज्वाइंट से ये जो झालर वाला जिसमें लगा हुआ है, झालर जिसमें लगा है, यहाँ से हम आधा इंच छोड़ के सिलाई के लिए यहाँ से देखिए यहाँ तक ये हमारा पीछे का है, यहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। वाला कपड़ा हमारा ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा। देखिए पीछे के साइड में हमने सिल लिया है कपड़ा, ये जो नीचे का है हमारा हमने ऊपर वाले कपड़े में सिल लिया है। देखिए हमारा सिल हो गया। अब इसको क्या करना है, जो बचा हुआ हमारा कपड़ा है इसको हम ये इस तरह से मोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे पूरा। देखिए हमने किनारे को सिल लिया है। अब इसको क्या करना है, जो हमने इस साइड में छोड़ा था इस साइड में, देखिए ये वाला, इसको क्या करना है, इसमें हम जोड़ लेंगे ये वाला, इस तरह से इसको मोड़ लेंगे और ये वाला इस तरह से मोड़ लेंगे, इसको इस तरह से हम यहाँ तक, देखिए हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए ये हमारी आगे की साइड है जो खुला हुआ है, ये आगे की साइड सब खुला हुआ है, पीछे हमें सिर्फ सिल लिया है। Thank you.
देखिए हमारा हो गया है पूरा। देखिए हेयर इस साइड का हम खुला रखे हैं कपड़ा, इसको हम जब आपको लगा कर दिखाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और इसमें हम क्या बनाएंगे, जो ये हैंडल होता है उठाने के लिए इसको हम खोलेंगे, और ये वाला जो होता है कुंडी होती है जो यहाँ, इसको हम खोल के बनाएंगे इसमें लगाने के लिए। देखिए दोस्तों हमारी सिलाई पूरी हो गई है। अब हम जैसे हमने बताया था आपको कि हैंडल की जगह बनाएंगे हैं, देखिए तो जो यहाँ से जो ये वाला होता है ये जो जॉइंट जहाँ से होता है यहाँ से हमको ले रहे हैं 3 इंच, यहाँ से हम लेंगे 3 इंच, इधर से ऊपर से यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, ऊपर से हम लेंगे 3.5 इंच, फिर यहाँ से 3 इंच लेंगे, फिर यहाँ से 3.5 इंच, यानी ये भी होगा हमारा 3 इंच का, ये हमारा 3 इंच का होगा। देखिए 3 इंच का हुआ, इसको ऊपर से हम काट लेंगे, देखिए काट लेंगे, देखिए हमारा हो गया। हम एक आपको बना के दिखा दे रहे हैं, ऐसी तरह से हम पूरे ए वाला बना लेंगे, ये सब पूरा हम इसी तरह से बना लेंगे। अपने साइज के हिसाब से आप लोग भी बनाएं, जैसे जिस तरह से आपका साइज हो, जिस तरह से साइज पूरा यहाँ से यहाँ वहाँ आपका है, आप इस तरह से कट करके बना सकते हैं। देखिए हमने एक पत्ती लिया है, हम इसको भी इस तरह से काट लेंगे बीचों बीच से, देखिए यहाँ डेढ़ इंच हो जाएगा हमारा, बीचों बीच हम काट लेंगे, देखिए इस तरह से काट लेंगे, हमारा हो गया। हम इसको यहाँ रख देंगे, इस तरह से रखने के बाद हम सिलाई कर देंगे। इसको क्या करना है, इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से काट लेंगे, यहाँ से काट लेंगे, इसको अंदर के साइड में डाल लेंगे। काटने के बाद ऊपर से सी लेंगे इसको, इसको सी लेंगे, इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। Yeah.
बांध चुका हूँ, उसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। जितना भी हमको निकालना है, जितना हंडी होगा कुंडी होगी जो हमारी, हम पूरा इस तरफ निकालेंगे। अब इसको हम आपको बाक्स में चढ़ा कर दिखाएंगे, ये बाक्स में जब हम लगा लेंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको दोस्तों कैसा लग रहा है लगने के बाद। देखिए दोस्तों, हमारा कवर बन के तैयार हो गया है। बनने के बाद कैसा लग रहा है देखिए, हमारा पूरा बन के तैयार है। देखिए हमने झालर भी इसमें लगाया है, जो हमने आपको सिलाई में समझाया था, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। अब हम आपको उसका ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं। देखिए हम ढक्कन खोल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप लोग इस तरह से खोल भी सकते हैं बिना कवर उतारे। देखिए हम इसका झालर भी लगाए हैं, जिससे आप हमने आपको बताया था कि कुंडी का जगह बनाने के लिए। देख सकते हैं कि किस तरह से हमने बनाया है, आप लोग भी इस तरह से बनाएं। देखिए ये हमारा झालर है, जो हमने आपको सिलाई में समझाया था, आप लोग देख के समझ सकते होंगे कि कैसा बना है। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करें। देखिए आप लोग देख सकते होंगे कि बनने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप लोग चाहें तो इसको जो झालर है आप लोग किसी भी कलर का लगा सकते हैं, और इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप लैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो किसी कलर में भी बना सकते हैं। देखिए और हम आपको पास से दिखा दे रहे हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं, हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।